वहीं रजौकरी बॉर्डर के हालात भी आपको दिखाते हैं कि यहां पर भारत बंद का असर कितना देखने को मिल रहा है। रजौकरी बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स पूरे तरीके से तैयार है। और ट्रैफिक की बात की जाए तो गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर जो भी लोग हैं वो जल्द से जल्द अपने घर तक पहुंच जाएं और या फिर पहुंचना चाहते हैं तो वो भारत बंद की वजह से कहीं भी जाम लग सकता है और ऐसे में जाम में वो ना फंसे। इस वजह से जो लोग घरों से निकले हैं वो सुबह के बाद भी अपने घरों से काम के लिए निकल चुके हैं। तो आइए रजौकरी बॉर्डर से हालात का जायजा ले रहे हैं मेरे सहयोगी राकेश सोनी। हम रजौकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है किसानों की तरफ से, लेकिन उसका असर अभी यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि जो ट्रैफिक है वो सामान्य रूप से चल रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली को जोड़ने वाला ये राष्ट्रीय मार्ग है और रजौकरी बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस ने अपनी जो बंदोबस्त है वो पूरे यहाँ पर किए हुए हैं। यहाँ पर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स है उसको भी तैनात किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत बंद का असर दिखना चाहिए था वो इस वक्त सुबह के वक्त नहीं दिख रहा है। हालांकि जो ट्रैफिक है वो थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है क्योंकि जो लोग हैं अपने स्थान पर जल्द से जल्द पहुँचना चाहते हैं, इसलिए लोग अपने घरों से जो है वो निकल चुके हैं और जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच रहे हैं क्योंकि अगर भारत बंद का असर दिखता है और कहीं लोग एक कहीं जाम में फंस जाएंगे तो उससे बचने के जो लोगों ने ये पूरी तैयारी करी कि जो लोग हैं वो इस वक्त निकल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से अब अलग अलग पार्टियों ने भी इस भारत बंद का जो समर्थन किया है वो देखना होगा कि किस तरीके का रंग लाता है क्योंकि लगातार आपको बता दें कि कृषि बिल को लेकर किसान जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आज 13वां दिन है और लगातार जिस तरीके से जो आंदोलन है वो किसानों का जारी है और उसी क्रम में आज भारत बंद का आह्वान किया गया था क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान और सरकार के बीच जो वार्तालाप हो रही है वो पूरी तरीके से विफल रही है। लेकिन आज के भारत बंद का असर कितना होगा ये देखना होगा क्योंकि 9 तारीख को एक फिर से वार्तालाप होगी। छठे दौर की जो वार्तालाप है वो किसान और सरकार के बीच होगी कृषि बिल को लेकर, लेकिन क्या नतीजा निकलेगा ये देखना होगा। और आज के जो भारत बंद का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया है उसका क्या असर होगा ये देखने वाली बात होगी क्योंकि दिल्ली NCR में कितना इसका असर होगा ये देखना होगा क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी जो एडवाइजरी जारी करी है कि किसी भी तरीके से सरकारी संस्थाएं वो और चाहे वो मार्केट हो उसको बंद नहीं किया जाएगा। अगर कोई लोग ऐसा करते हैं इस मार्केट को बंद कराने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। तो फिलहाल अब देखना होगा कि जिस तरीके से किसानों ने आज जो बंद का आह्वान किया है उसका असर कितना दिल्ली और NCR में देखने को मिलेगा। दिल्ली से अपने सहयोगी कशिश के साथ राकेश सोनी, टोटल न्यूज़।